Assalamualaikum, this is Bisma Sheikh और आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने इसकी वर्क एक्सरसाइज 5 तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम वर्क एक्सरसाइज 6 शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए वर्क एक्सरसाइज 6 से शुरू करते हैं। तो वर्क एक्सरसाइज 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड राइट द आंसर इन डेसिमल्स। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है सबसे पहले, और उसके बाद उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 4 × 6 × 10। सो ये वाला पार्ट आपकी बुक में हुआ हुआ है, लेकिन तब भी मैं आपको ये करके बता देती हूँ। सो इसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो सबसे पहले आप सिंपल ये टेंथ जो है इसे आप भूल जाइए, अभी आप सिर्फ ये देखिए। तो 6 × 4 क्या होता है 24, उसके बाद यहाँ पे लिखिए टेंथ्स। सो आप याद रखिए, अगर जब भी यहाँ पे टेंथ्स आएगा मतलब एक डिजिट आपको यहाँ पे डेसिमल जो होगा ना, यहाँ पे डेसिमल होता है, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, हमें वो दिखता नहीं है हर बार, पर जब भी आएगी आपके पास यहाँ पे टेंथ्स, तो मतलब इसको लेके आपको एक डिजिट बस आगे कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4। और ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम एक और पार्ट लेके देख लेते हैं, ये तो बुक में हुआ हुआ था, हम दूसरा पार्ट लेते हैं। सो इसका बी पार्ट ही ले लेते हैं। बी पार्ट है 12 × 3 × 10। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सो 12 × 3 = 36, यहाँ पे लिखेंगे टेंथ्स, मैंने बताया था टेंथ्स मतलब सिर्फ एक डिजिट। अब देखिए टेंथ्स से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ के तो यही समझ में आता है, टेंथ्स मतलब 10, तो इसमें सिर्फ एक ज़ीरो होता है, मतलब सिर्फ एक डिजिट। अगर आपका आएगा 100th, मतलब 100 में कितने 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो मतलब आपको अगर यहाँ पे टेंथ की जगह 100 आ जाए, तो मतलब हम 2 डिजिट डेसिमल को पीछे लेके जाते। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे टेंथ है ना मतलब सिर्फ एक बार, सो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट होगा, इधर जंप करवा देंगे तो आ जाएगा 3.6। सो 3.6 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम सी पार्ट ले लेते हैं। सो आपका सी पार्ट है 8 × 500। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 40, 40 × 100, 100 है मतलब 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, ये बस आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। यहाँ पे इसे 2 बार जंप करवाएंगे, सो इधर और इधर, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट मतलब 0.40, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ऐसे आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम ऐसा करते हैं, हम इसका ई पार्ट भी ले लेते हैं, ई पार्ट भी एक बार देख लेते हैं, उसमें 1000 आ रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ई पार्ट में दिया हुआ है 7 × 24 1000। सो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, 7 × 24 = 168 1000। तो 1000 है मतलब 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब 3 times हमें इसे जंप करवाना है डेसिमल पॉइंट को। सो 1, 2 and 3, डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.168, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसमें बस आपको मल्टीप्लाई करना है सही से,
और डेसिमल पॉइंट को आपको सही से जम करवाना है, जितना वो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतने टाइम से आप इसे जम करवा देंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, कॉपी दीज इन योर नोटबुक्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है और आपको और दे रखा है वर्क आउट द सम्स इन कॉलम फॉर्म। सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है कॉलम फॉर्म में। सो कॉलम फॉर्म में कैसे करेंगे, ये तो बहुत ईजी है, इसमें बस आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए तो आप खटाखट कर लेंगे ये क्वेश्चन। सो 8.5 × 24, तो 5 4 20, देन 8 4 32, यहाँ पे आ जाएगा 34, 2 प्लस हो गए यहाँ पे डैश, देन 5 2 10, यहाँ पे 1 कैरी, देन इधर 0, उसके बाद 8 2 16, एंड यहाँ पे 70 प्लस, वहाँ पे 1 हो गया ना, तो इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा आपका 10, 1 इधर कैरी, यहाँ पे आएगा 2, सो 2040 आपका यहाँ पे आंसर आया है। लेकिन अब आपने तो ये सिंपल सॉल्व करा है, अब डेसिमल का क्या हुआ, तो डेसिमल पहले आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर है ना 2040, यहाँ पे आपका आंसर है। तो अब आप देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगा हुआ है। सो इस वाले इसमें तो है ही नहीं डेसिमल, इस वाले में ही है सिर्फ, अगर इसमें भी होता तो हम दोनों जितने डिजिट पहले, हम दोनों का डिजिट्स प्लस करके फिर यहाँ पे कर ले, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट पहले है, 5 है ना, यहाँ पे बस एक डिजिट पहले है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आएगा 204.0, 204 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 204 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको इन सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम में, माई फादर गॉट 3.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन हिज कार, द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर इज ₹21, हाउ मच मनी डिड माई फादर पे एट द पेट्रोल पम्प। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपके फादर ने 3.7 लीटर पेट्रोल फिल करवाया अपनी कार में, और पेट्रोल का प्राइस जो है वो 1 लीटर का ₹21 है। तो अभी पूछ रहे हैं कि आपके फादर ने कितने पैसे दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर 1 लीटर का 21 है तो 3.7 लीटर के कितने पैसे होंगे आपके, तो आप 3.7 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में करना क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे इसको सब चीज़ों को। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड इन कार 3.7 फिल किया गया है, और प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस क्या है आपका ₹21 per liter। तो आप इन्हें अब मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 77.7। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फादर पे ₹77.7, ये आप लिख देंगे। सो ये आपकी पहली वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, पहली वाली बहुत इजी थी, आपको सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है जो कि आप पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और ऐसी
अब हम दूसरे वर्ड प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। सो दूसरी वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, द पेरीमीटर ऑफ आवर स्कूल फील्ड इज 348.75 meters. Every morning, the games teacher make the boys of the school of the football team take 4 rounds of the field. How much distance do the boys cover this way? So, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपके स्कूल फील्ड जो है उसका पेरीमीटर है 348.75. तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बाहर का ये एरिया होता है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। सो इसमें आपको पेरीमीटर क्या दे रखा है, 348.75 meters इसका पेरीमीटर है आपका, आपके स्कूल फील्ड का। सो हर सुबह आपकी टीचर जो है वो फुटबॉल टीम में जो लड़के हैं उनको 4 राउंड लगाने पड़ते हैं उस फील्ड के। सो अभी मैम आपकी पूछ रही है कि उन वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं बॉयज़। सो आप इसमें क्या करेंगे, 348.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्कूल जो कि है 348.75, उसके बाद आप लिखेंगे राउंड टेकन बाय टीम, फुटबॉल टीम कितने राउंड लगा दी थी 4, और आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 1395.00. सो अब बॉयज़ कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, द बॉयज़ कवर 1395.00 meter डिस्टेंस। तो आप इसे ज़रूरी नहीं है अब आप पॉइंट भी बोलें, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे ज़ीरो है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1395 meters भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे, द बॉयज कवर 1395 meter डिस्टेंस, आप ये यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसके सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट में आपको दे रखा है द स्क्वायर ब्लैकबोर्ड इन द क्लास इज 3.74 meters लॉन्ग, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। सो आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है उसका शेप क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर शेप का आपका बोर्ड है स्कूल में, क्वेश्चन नंबर सी स्क्वायर शेप का है। सो इसमें यह कह रहे हैं कि इसका जो एक साइड का जो आपको वो दे रखा है वो है 3.74 meters। तो अभी आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं। सो पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था, इसकी बाहर की है फेंसिंग। तो अब आप क्या करेंगे, अगर एक साइड का लेंथ 3.74 meter है तो आपकी और तो आपकी चारों साइड्स की कितनी होगी, इसमें 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर में, तो आपकी चारों साइड्स की कितनी होगी। मैंने या तो आपको पता होगा स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सो अब इसको आपको अब क्या करना पड़ेगा, इनटू 4 कर देंगे, 3.74 meter को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे स्क्वायर ब्लैक बोर्ड का पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे the length of school blackboard
क्या लेंथ है 3.74। उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद आप इसे इनटू 4 कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी 4। तो आप इसे 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 14.96। सो आपका पेरीमीटर क्या हो गया ब्लैक बोर्ड का 14.96। तो आप यहाँ पे लास्ट में इधर लिख भी देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, द पेरीमीटर ऑफ ब्लैक बोर्ड इज 14.96। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए तो आप ये एकदम एकदम सॉल्व कर लेंगे। सो अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, बस आपको करनी आना चाहिए तो ये आपसे एकदम हो जाएंगी, बस आप इन्हें समझिए तो ये एकदम हो जाएंगी आपसे। लास्ट है, द वेजिटेबल वेंडर कीप्स द पोटैटोज इन बैग्स, ईच बैग वेज 2.5 kg, माई मदर बॉट 6 बैग्स ऑफ दीज द अदर डे एंड मेड मी कैरी दैम होम, कैन यू फाइंड द टोटल वेट आई हैड टू कैरी। सो ये कह रहे हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर है जिसने पोटैटोज रख रखे हैं एक बैग में। सो एक बैग जो है वो 2.5 kg का है, एक बैग आपका जो है वो कितने का है 2.5 kg। सो अब ये कह रहे हैं कि उसकी मॉम ने अगले दिन ऐसे ही 6 bags लिए, ऐसे ही 6 bags। सो अब ये कह रहे हैं और उसकी मॉम ने उससे कहा कि ये घर लेके जाए, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसने कितना वेट कैरी करा। तो अब आप क्या करेंगे, अगर एक बैग का वेट 2.5 kg है तो 6 bags का वेट कितना होगा 2.5 kg इंटू 6। तो सबसे अब आप इसमें सबसे पहले सेंटेंसेस ही लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे आप ईच बैग वेट 2.5 kg। सो और उनकी मॉम ने कितने बैग्स परचेज किए थे, 6 bags है ना, तो 2.5 into 6, 2.5 into 6 क्या होगा 15.0। सो मैंने आपको पहले ही बताया था पॉइंट के बाद जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर आया 15। आप 15.0 भी बोल सकते हैं या बस 15 भी बोलेंगे तब भी चल जाएगा। और लास्ट में आप लिख देंगे द टोटल वेट आई कैरी इज 15 kg। सो द टोटल वेट ही कैरीड इज 15 kg। सो आप इन्हें अपने आप करिएगा एक बार और देखिएगा आप भी सही कर पा रहे हैं या नहीं। सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, कैन यू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट वेट और लेंथ ऑफ दीज आइटम्स मेंटली। सो आपको यहाँ पे नीचे आपको ड्राइंग्स दिख रही होंगी, सबसे पहले में 4 necklace बने हुए हैं, दूसरे में वॉकिंग स्टिक्स बनी हुई हैं एंड देन लास्ट मिल्क के कैंस बने हुए हैं। सो यहाँ पे आपको दे रखा है सबसे पहले पार्ट में मिल्क
कैंस 14.5 लीटर मिल्क इन एवरी कैन। सो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ वेट लेंथ जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे मिल्क कैंस जो है आपको नीचे देखिए 3 मिल्क कैंस बने हुए हैं वहाँ पे, तीनों 14.5 लीटर के हैं। सो इसमें आपको कहा गया है कि टोटल वेट आपको इसको फाइंड करना है। सो अब टोटल वेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक मिल्क कैन अगर 14.5 लीटर का है सो 3 मिल्क कैंस कितने लीटर के होंगे, आप इनटू 3 कर देंगे। तो ये आपको मेंटली करना है लेकिन तब भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो 14.5 इंटू 3 और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ऐसे ही आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको दे रखा है नेकलेसेस वेइंग 15.7 ग्राम ईच। सो यहाँ पे आपको 4 नेकलेस दिए हुए हैं और एक नेकलेस 15.7 ग्राम का है, एक नेकलेस अगर 15.7 ग्राम का है सो 4 नेकलेस कितने के होंगे, 15.7 इंटू 4, और जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। ये आपको ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर देना है। उसके बाद आपको दिया हुआ है वॉकिंग स्टिक्स ऑफ लेंथ 1.26 मीटर, अगर एक वॉकिंग स्टिक आपकी 1.26 मीटर की है सो यहाँ पे आपको 6 दे रखे, तो 6 कितने की होगी क्योंकि आपको टोटल फाइंड करना है। सो 6 दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, 1.26 मीटर की अगर एक है तो 6 स्टिक्स कितने की होंगी, 1.26 इंटू 6, और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, और अगर आपने ये तीनों सही कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।